अर्चना जी, हाँ जी, ओटीटी पे एक बड़ी ही प्यारी फिल्म आ रही है. कौन सी? जिसका नाम है सरदार उद्यम. फिल्म के लीड एक्टर और फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो आज हमारे बीच मौजूद हैं, तो चलिए उनको मंच पे बुलाते हैं. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विक्की कौशल और साथ में फिल्म का डायरेक्टर मिस्टर शुजित सिद्धार्थ. शुजित सर, विक्की बाजी, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद. मेरी बड़ी तमन्ना थी कभी सरदार उद्यम सिंह जी के ऊपर कोई फिल्म बने, क्योंकि हमारा कनेक्शन भी है. हम लोग अमृतसर से हैं, पंजाब से हैं. जलियांवाला बाग में जो त्रासदी हुई थी, खैर हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन देखते आए हैं, विजिट करते आए उस जगह पर जाके, और हमारे दिल में था कभी कोई इस मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाए. सो आपको बहुत बहुत श्रेय जाता है, बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू. अच्छा विक्की बाजी हमारे हर सीजन में आते हैं, तो पाजी आपको मतलब फिल्में करने का शौक है कि हमारे शो पे आने का ज्यादा शौक है? किसी बहाने यहाँ आने का मौका मिले इसलिए पे पिक्चरें साइन करता हूँ. लव यू पाजी. सिर्फ इसीलिए. मैं एक्चुअली एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ. कितना प्यार मिलता है कपिल पाजी आपको इस शो को, कितनी दुआएं मिलती हैं. मैं जिस सोसाइटी में जहाँ बड़ा हुआ हूँ, अभी तो शिफ्ट हो गया हूँ, पर वहाँ मेरी एक आंटी रहा करती थी, मंजीत आंटी, अगर आप देख रहे हो टीवी पर. उनका हमेशा था कि विक्की यार जब तू कपिल शर्मा के शो पे जाऊंगा ना, मैं आऊंगी. एंड शी लव्स द शो. एंड पिछले महीने उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी एंड वो ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे थे एंड द फैमिली वाज कॉल्ड. तो मेरी माँ गई थी उनसे मिलने एंड जब बिल्कुल हालत बिल्कुल खराब थी तो शी हैड लॉस्ट होप कि पता नहीं क्या होगा. तो मम्मी ने कहा था अरे अभी कुछ नहीं होगा, तुझे तो कपिल शर्मा के शो पे जाना है अभी तक. तो उस हालत में भी she had a smile on her face because of the show, because of Kapil Paji, because of you. इतनी खुशियां आप बांट रहे हो. मंजीत जी, ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे और ढेर सारी प्रार्थना और दुआएं आपके लिए. आइए सर, प्लीज विराजमान हो जाइए. अर्चना, यू रिमेम्बर विक्की इससे पहले? हाँ, आप बजा लो पहले. यू रिमेम्बर अर्चना जी, विक्की इससे पहले भूत फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे. तब भी इनकी हीरोइन साथ में नहीं आई थी. इस बार ये शुजित सर के साथ आए हैं. तो विक्की, आपका काम पे फोकस ज्यादा है कि आपकी लाइफ में कोई है जो ये नहीं चाहती कि आप लड़कियों के साथ जाएं? मैं ना आपके सारे शोज देखता हूँ और मैं एक ये सोशल सर्विस समझता हूँ कि इस शो पे हीरोइनों को नहीं आना चाहिए. ओह, अब आ सकती हैं. आई मीन शुजित, अभी शादी हो गई, दो बच्चे हो गए, अभी क्या बड़ा फर्क पड़ा है शादी हो गई. नहीं आया ना. देखो अर्चना जी, ये तो बोलने की बातें होती हैं कि अब हमारी शादी होगी. कोई भी मर्द अंदर से सारे कमीने होते हैं, मैं आपको बताऊं. तो ऐसा ठीक है, चलो. अच्छा, हमने शुजिदा ये सुना है कहीं कि सरदार उद्यम सिंह जी के ऊपर फिल्म बनाने का आइडिया आपके दिमाग में 21 साल पहले आया था. तो आप पैसे आने का वेट कर रहे थे कि विक्की के बालिग होने का वेट कर रहे थे आप? आप कह सकते हो दोनों के लिए वेट कर रहा था मैं एक्चुअली. अच्छा जी, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, विक्की आने से पहले इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली इरफान खान थे. अच्छा जी. इट वाज एन अनफॉर्चुनेट, सबको मालूम है कि क्या हुआ था, बट उनके शूज पे एक्चुअली विक्की आए और फिर विक्की सरदार उद्यम है अभी इस वक्त. विक्की से प्रेशर पड़ा होगा इससे कि एक तो बहुत टफ कैरेक्टर है वैसे ही प्ले करना, फिर इरफान सर के यू नो जो तो आपको कदम रखना पड़ा. मैं इरफान साहब को बहुत मानता हूँ. आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड. सेम है सर. एंड जहाँ बात आती है कि उनके जूते पर पैर रखना, मुझे लगता है कि उनके जूते में कोई पैर नहीं रख सकता, ना मैं ना कोई भी एक्टर, क्योंकि वो जूते का साइज नहीं है, वो जूते की क्वालिटी अलग है. क्या बात है. बट एवरी शॉट इस फिल्म का, हर टेक इज अ ट्रिब्यूट टू इरफान साहब. क्या बात है. अच्छा शुजित दा को विक्की डोनर के लिए नेशनल अवार्ड मिला, फिर पिंक के लिए भी मिला और भी बहुत सारे अवार्ड मिले,
तो शुजीत दा, ये स्क्रिप्ट आपको अवार्ड वाले सजेस्ट करते हैं कि आपने उनका कोई वीडियो बना रखा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दो बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, एक बार मैं भी आपको मिल चुका हूँ, और कोई ख्वाहिश? पर अगर गौर से आप ऑब्जर्व करें, शुजीत दा के साथ अभी विक्की काम कर रहे हैं, विक्की को नेशनल अवार्ड मिला है, आयुष्मान ने काम किया उनको मिला हुआ, बच्चन साहब ने किया उनको मिला हुआ है। तो मैं जनता के सवाल था बेसिकली कि जब कोई एक्टर आपके ऑफिस में आता है तो आप उनका आरटीपीसीआर चेक करते हैं कि नेशनल अवार्ड चेक करते हैं? एक और आया मेरे दिमाग में। अभी देखो, आप शुजीत दा का नाम ही है शुजीत सरकार, है ना, और जो भी इनके साथ काम करता है उनको नेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो एक बात तो पक्की है, सरकार के साथ रहने में फायदा तो है। तो सरकार हमें भी अपनी शरण में ले लो। पर जोक सपाट, विक्की ने इस फिल्म में सरदार उधम सिंह जी का, जो 20 साल की उम्र में जैसे दिखते थे वैसा लुक बनाया, मेहनत की, और उसके बाद जब मैच्योर दिखते हैं, और दोनों में वाकई लग रहा है कि वो उतना ही टाइम गैप लेके वैसा लुक बनाया। कितना मुश्किल था पाजी ये ट्रांसफॉर्मेशन? जिनको नहीं ज्यादा पता होगा मैं बता दूं, सरदार उधम सिंह पैदा हुए थे 1899 में, right. और 1919 में जलियांवाला बाग हुआ जी। तो जब जलियांवाला बाग हुआ था वो 20 साल के थे, और फिर 1940 में उन्होंने लंदन में जाके माइकल ओ डॉयर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था जनरल डायर को कि वो जाकर जलियांवाला बाग मैसेकर करे। आज भी अगर सोचा जाए कि आपको लंदन जाना है तो 10 चीजें सोचनी होती है। ये 100 साल पहले उन्होंने देश, यहां से इंडिया, इंडिया से यूरोप, रशिया, पता नहीं कैसे कैसे करके, क्या बात है यार, उन्होंने लंदन जाके उन्होंने माइकल ओ डॉयर को असैसिनेट किया था। उन्होंने अपने नाम बदले, आइडेंटिटीज बदले, कभी वो उधम सिंह थे, कभी उदय सिंह थे, कभी शेर सिंह थे, कभी फ्रैंक ब्राजील थे, कभी राम मोहम्मद सिंह आजाद थे। करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। वंडरफुल। पाजी सच बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल बात मेरे लिए थी कि एक इंसान जलियांवाला बाग, आई गेट इमोशनल एवरी टाइम आई टॉक अबाउट जलियांवाला बाग, 1650 गोलियां चली हैं वहां। जो रिकॉर्ड्स बताते हैं वो ये है कि 1000 के ऊपर लोग मारे गए हैं और घायल हुए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, और जो रिकॉर्ड्स में आता है कि बच्चा, साल भर का बच्चा भी, उतना छोटा भी जिसे गोली लगी है। दीवार पे गोलियों के निशान आज भी है। अगर एक 20 साल के लड़के ने, आज हम जब ये कहानी सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर एक 20 साल के लड़के ने वो देखा था आंखों के सामने। अगर एक लड़का वो जी जाए, वो आई थिंक वो एक दिन में ही वो इतना बदल जाता है। एज एन एक्टर मैं जितना भी उस बारे में सोच लूं, उसको जीने की कोशिश कर लूं, फिर भी वो कहीं ना कहीं मैं दूर ही रहूंगा उस इमोशन से कि जो शायद उस बच्चे ने फील किया होगा उस दिन, जिसने वो एक्चुअली जिया है। तो मेरी यही कोशिश थी कि कहीं ना कहीं जितना करीब हो सके उस इमोशन तक पहुंच पाऊं, कि तभी वो लड़का 21 सालों तक शायद वो उस पेन को छोड़ नहीं पाया कि वो 21 साल बाद भी जाकर अमेजिंग माइकल ओ डॉयर को असैसिनेट किया था। एंड उन्हें पता था उसे फांसी होगी, उन्हें पता था कि वो उसके बाद कभी जेल से छूट नहीं पाएंगे, और उस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं था, यू नो। और वही हमारा कहना है कि ये फिल्म बायोपिक एक इंसान की नहीं है, एक सोच की बायोपिक है। बिल्कुल, क्या जो हम जताने की कोशिश कर रहे हैं। शुजीदा, ये फिल्म की शूटिंग कितनी जगह पे की? लंदन, रशिया, जर्मनी, अलग अलग जगह पे गए। तो फिर विक्की को आपने पैसे दिए कि ये बोल के डाल देंगे भाई तेरे को बर्ड टूर करवा रहे हैं? नहीं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कभी कभी अर्चना जी ऑटो पे मड आइलैंड चले जाए ना, तो ये ऑटो वाले को पकड़ लेती है कि किस बात के पैसे, एक तो तुझे मड आइलैंड घुमा रही हूँ। हाँ, उस दिन मेरे को याद है, शुजीत दा, यू वोंट बिलीव, ऑटो वाले ने इनको मड आइलैंड छोड़ा, उसने पैसे मांगे, हाथापाई होगी इनकी। इन्होंने उसका ऑटो वाले का ना हैंडल उखाड़ लिया, वो बेचारा उंगली डाल के चला के गया अंधेरी तक। शुजीत दा, सीरियसली आपको कई स्ट्रॉन्ग वीमेन चाहिए हो जो हीरो को पेट से पकड़ के उठा दे? You can consider her. Acting नहीं, सिर्फ ये इसके लिए please cast me.
अच्छा विक्की के पापा श्याम कौशल साहब, आप सब जानते हैं हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही नामचीन, बहुत ही बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर है। मुझे एक बात और, श्याम सर से मेरी कभी ना कभी बात होती रहती, बहुत प्यार करते हैं हमसे और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। विक्की, जब बचपन में कभी मम्मी कहती थी आपके पापा को कि बड़ा शैतान हो गया, दो लगा दो, तो पापा कहते नहीं थे कि नहीं इस काम के तो मैं चार्ज करता हूँ? एक्चुअली पाजी, मैं शैतान बच्चा था नहीं, मैं काफी सीधा साधा था, शांत बच्चा था। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पर ये तारीफ भी है इनकी, मतलब हर कोई इनकी तारीफ ही करता है विक्की की। मैंने जिसके मुंह से भी सुना हमेशा तारीफ, बीच में तापसी आई थी, कहती विक्की ओ माय गॉड ही इज, कहती मैरिज मटेरियल। तो मुझे पूछना था कि मैरिज मटेरियल क्यों, आप जेब में सिंदूर लेके घूमते हो? हाँ सीरियसली बोल के गई थी वो। मैंने देखा विक्की ने मसान में इतने भोले भाले लड़के का किरदार किया, उरी में जब मैंने देखा मैं हैरान था, मैंने कहा वाओ, एक तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो एक्शन कमाल का। तो हमने कहावतें सुनी है, ऐसा बोलते हैं ना कि जो उस्ताद होते हैं, कुछ गुर जो हैं अपने बच्चों को ही सिखाते हैं, तो ऐसा कोई गुर है जो श्याम सर ने सिर्फ आपको ही सिखाया हो कि बेटा ऐसे भी होता है? पाजी एक्चुअली मुझे ज्ञान मिला था पापा से, वो यही था कि काम में 10 में से 8 हो जाना, पर एज एन इंसान 10 में से 10 रहने की कोशिश करना। लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है। क्या बात है। अच्छा शुजीत सर की आप सब फिल्में जितनी भी हैं तमाम इतना प्यार दिया लोगों ने, जैसे विक्की डोनर हो गई, पीकू हो गई, पिंक, मद्रास कैफे, अक्टूबर, गुलाबों से दाबो, इनकी फिल्मों में आप कभी नोटिस करना, ये ना टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों से हटके होती हैं और रोमांस तो कभी कभी मिसिंग होता है। तो मुझे आपसे ये पूछना था सर, आप खुद कम रोमांटिक हो या कॉलेज में कभी धोखा मिला था, दाढ़ी बढ़ा के डायरेक्टर बन गया? ऐसा तो नहीं कोई दिल टूटा हो आपका? दिल तो सबका ही टूटता है, ऐसा तो नहीं है यार। जी नहीं नहीं, मैं रोमांटिक जरूर हूँ, मैं ऐसा नहीं सामने नहीं दिखाता हूँ, यही है। नहीं, obviously, हमें क्यों दिखाएंगे आप? सुजिदा देखो, हमारे सवाल, हमारे ना फ्लेवर ऐसा है शो का, क्या करें। बोलते कि आप वैसे जब भी देखते हैं तो बड़े सीरियस दिखते हैं, तो जब आप जुम्मा जी से आपकी मैरिज हुई थी तो वो अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज हुई थी आपकी? तो मुझे भी नहीं पता। जी लव मैरिज हुई थी। ये होते गुन्ने आशिक। हाय विक्की, हाय सुजीत जी, आप दोनों का फिल्म के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ओह माय गॉड विक्की, यू लुकिंग सो हैंडसम, सो चार्मिंग, आई एम so happy you're here. Thank you. You're looking beautiful. Hi, Kapu. इतनी सारी लाइनें विक्की को, हमारा इतने सालों का रिलेशन, एक हाय कप्पू। एटलीस्ट मैंने हाय बोला। लास्ट टाइम जब कियारा आई थी आपने मुझे देखा भी नहीं। तो जब कियारा गई मैंने कितना बुलाया तुम आई? शुजीत दा देखो ब्लश कर रहे हैं, हेलो तो करो। ओह ठीक है, फिर जब विक्की जाओगे ना तब मैं आपको एक दो बार हेलो बोल दूंगी। हाँ दोबारा बोलो, कितनी अच्छी हिंदी बोलती हो तुम। विक्की जाऊंगी। विक्की यू डोंट माइंड ना? माइंड व्हाट? जाऊंगी जाऊंगा, यू डोंट माइंड ना? ना नॉट एट ऑल। मैं भी कहाँ माइंड करता हूँ। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो को तो सबसे अच्छी लगती है हिंदी आपकी। मैं आपके साथ फिल्म देखने जाना चाहती हूँ। ओके हाँ, और मेरे पास ना कॉर्नर सीट की टिकट है। ओके वो तो बहुत बिजी है, हमें ले जाओ। हमें तो जमीन पे बिठा के दिखा दो, हम देख लेंगे। मैं पराये लोगों के साथ नहीं जाती हूँ। तो ये आपके मामा के लड़के हैं? किसी ना किसी के मामा के लड़के तो हैं ना। एनीवे विक्की, आप ना रोज मेरे सपनों पे आते हैं। अच्छा। और मुझे प्रपोज करते हैं। वाओ, ध्यान से कहीं सर्जिकल स्ट्राइक ना करते। लोग घोड़े पे आते हैं, इनके सपनों पे आते हैं, सपनों में आते हैं। पर एक बात बताओ, इतने साल से हम काम कर रहे हैं, मुझे छोड़ के तुम इनके सपने देखती हो? नहीं नहीं, मैं आपके भी सपने देखते हैं। है? एक बार क्या हुआ ना, सब लोग मिलके देखते होंगे। आपको सुनना चाहते हैं? हाँ, हाँ? तो मेरा सपना देखती हो? हाँ। फिर क्या हुआ पता? क्या? एक बार ना शादी हुआ हमारा। हैं? हाँ। क्या बात कर रही हो? और आपने घूंघट उठाया। What?
और मेरी आंखों में देखा और प्यार से बोला हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। लॉटरी तुम कहाँ हो, मुझसे बच नहीं पाओगी तुम, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा लॉटरी। अरे कहाँ चली गई लॉटरी, अभी पकड़ में आएगी। अरे एक 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 मिनट, पकड़ लिया लॉटरी में। ये तुम अचानक से हसीना से जॉन सीना कैसे बन गए? वकील साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे कब्बू तुम भी खेल रहे हो यार, पहले बताना चाहिए प्लेयर। ओ माय गॉड, अरे बाप रे यार, शर्मा जी बताया। अरे यार बाप रे, ये तो विकी कौशल जी है, विकी कौशल जी, सुजीत सरकार जी, एक बार विकी डोनर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वकील साहब ये उस फिल्म के लिए थोड़ी ना है। यार ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि ये विक्की हैं, ये एक नर हैं, ये एक और नर हैं, मिला के दो नर हैं, इसलिए विक्की दो नर। और ये एक ही आदमी की बॉडी में चार नर। हाँ बैठिए। सुजीत जी, ऑलमोस्ट मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। थैंक यू। लेकिन मैं कब्ज से पीकू देखना चाह रहा था और फाइनली मैंने हफ्ते भर पहले देखी। व्हाट अ फिल्म! I just want to know, ये पीकू के बाद अगर बाय चांस आप कीकू बनाना चाहें, कीकू तो एक बेहतरीन कलाकार को जानता हूँ मैं। कीकू भी ठीकू ठीकू ही है, कुछ खास वास नहीं है। तो तुम कौन सी बहुत खास हो यार? तुम खास छोड़ो, तुम तो आम भी नहीं हो। आम छोड़ो, तुम आम की गुटली भी नहीं हो। तुम नहीं हो। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। यू लुक एट दिस गर्ल, यू विल थिंक कि शी इज ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है। अच्छा, कि इतनी कोई खूबसूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ये मेरे साथ हैंग आउट करती है ना, और मैं हूँ थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा मोटा हूँ मैं। इस वजह से क्या लोग मुझे देखते हैं, इसे देखते हैं, मुझे देखते हैं, इसे, कंपेरेटिवली ये खूबसूरत लगती है, बाकी है नहीं। वकील साहब इतना भड़क क्यों रहे हैं आप? भड़कने वाली बात है। क्यों यार, हम दोनों ना लुका छिपी खेल रहे थे। अब इसने क्या किया, मैं वहाँ पे पानी की टंकी में 4 घंटे से छिपा हुआ हूँ। अच्छा, 4 घंटे से पानी आ गया, चूहे आ गए, थोड़ी देर में मछलियाँ भी आ जाती, लेकिन ये नहीं आई। बाहर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं और मैं आपसे बात करूं, फिर वही होगा ना कि सामने तंदूरी मुर्गा और मैं कद्दू खाओ। तुमने विकी कौशल जी को कद्दू कहा? उसने आपको कद्दू कहा? ये मैं जानता हूँ यार। मैं तो जरा बात को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम डायरेक्ट बोल दो सबको। क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा हम दोनों में से कद्दू कौन लगता है? सच्चाई की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा कितना ही तंदुराले, लाइफ में एक चीज याद रखना, जब तबीयत खराब होती है ना तो कद्दू ही काम आता है। फैक्ट ऑफ लाइफ। जब तबीयत ठीक नहीं है तो कद्दू का काम आता है, लेकिन जब नियत खराब है तब तंदूरी मुर्गा काम आता है। वाह भाई विकी साहब, आप तो बड़े ड्रॉइंग निकले। चलो हो गया ये तो, लेकिन एक बात समझो, तुम सैलरी तुम मुझसे लेती हो, फ्लर्ट तुम इनके साथ कर रही हो, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? कि यहाँ पे आदमी सामने बैठ रहा है, कभी कभार मुझे भी डेट पे लेके चलो यार। आपसे बेटर मैं कोई भिखारी के साथ चलूं? भिखारी के साथ चलो, कोई नहीं यार, ऊपर वाले के नाम पे दे दे, ऊपर वाले के नाम पे। हो गया मैं, अब वो चलो डेट में मेरे साथ। ये देखो क्या फालतू बातें करते हैं। अच्छा ये कमाल की बातें करती है, मैं आपको बताता हूँ इसकी बातें। सर यू हैव टू लिसन, एक बार मैंने इससे कहा कि भाई कोर्ट की डेट पे गवाह को ले आना, इसने पता नहीं क्या समझा, ये कोट पहन के गवाह के साथ डेट पे चली गई।
यार तुम्हारी ना बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आज तुम मुझे यहाँ पे अच्छी भी नहीं लग रही हो, तुम जाओ। नहीं, वो अच्छी लग रही, आप अंदर जाओ। यार मेरे ATM से पैसे आप क्यों निकाल रहे हैं? जाओ मतलब जाओ, हो गया। नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, मैं विकी के साथ मालदीव जाना चाहती हूँ। मालदीव? क्यों भाई, ये कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम है कि इनके बिना मालदीव नहीं जाया जा सकता? नहीं मैं उनको लाइक करती हूँ। तो सिर्फ लाइक क्यों करती हो, साथ में कमेंट भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, जो करना है करो, लेकिन अंदर जाके करो। मैं अंदर जाके ना आपको सब सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक करने वाली हूँ। आप देखना मैं आपको कितना ट्रोल करने वाली हूँ। जाओ जाओ जाओ, मैं कोई डरता नहीं हूँ, तुम मैं नहीं डरता यार। अभी क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरे अटायर से पता चल गया होगा, आई एम ए लॉयर, मैं वकील हूँ। कोई भी केस हो ना लाइफ में, मुझे बताइए, मैं केस लड़ूंगा आपके लिए। जाने दो आपके क्या, उस दिन एक आदमी का केस लड़ रहे थे, उसके ऊपर 420 लगी, बोलते मैं तुम्हारी सजा कम कराता हूँ, 302 लगवा दी। ये करते आप, उम्र कैद काट के आया बेचारा। तो भाई उसकी सजा लंबी हो गई, वो सबको दिखाई दे रहा है, मैंने दफा जो कम कराई कोई नहीं देख रहा। सुजीत जी एक सवाल था, आपने अक्टूबर बनाई, अक्टूबर ही क्यों बनाई, आपने नवंबर क्यों नहीं बनाई? आपको क्या प्रॉब्लम है? यार प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अक्टूबर में मेरा बर्थडे है। और आपकी अक्टूबर जो है वो अप्रैल में आ गई, अब आपकी वजह से मुझे अपना बर्थडे अक्टूबर की जगह अप्रैल में मनाना पड़ा, फिर उसी साल में फिर से अक्टूबर आ गया, फिर मुझे दूसरी बार बर्थडे मनाना पड़ा। अब एक ही साल में आपकी वजह से मैं 33 से सीधा 35 का हो गया, दो बार बर्थडे मन गया ना। पर आप भी कौन सा एक ही बार में पैदा हो गए थे, एक हफ्ता लगा ही था। सोमवार को डिलीवरी थी, नर्स मंगलवार को आई, कहती रुकिए बच्चा हो रहा है। शनिवार तक हो ही रहे थे ये। ऐसा होता है क्या कहीं? दूसरा देखिए, लाइफ में होता क्या है कि इंसान जो है वो ये आपकी टांग अगर आपका कहना नहीं मानती, इसको लाते क्यों साथ में? लाइए चलिए। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ गुड बॉय यार, गॉड विल ब्लेस यू। ठीक है चलो, मैं कह रहा था कि विकी जी आपने भी शायद रियलाइज नहीं किया है, यू नो शाहरुख खान जी, ऑफ कोर्स यू नो शाहरुख खान जी, वो आपसे काफी खफा हैं। थोड़ी वो सबसे कह रहे थे कि भाई ये विकी कौशल लड़के ने अभी तक मेरी जोश फिल्म क्यों नहीं देखी? आपको कैसे पता नहीं देखी? अरे हर जन से पूछ रहे थे, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। I will tell you, Josh is very good. It's very good. It has that Chandrachur boy also. It's very nice. You watch it. I will. काम की बात है तो ठीक है, नहीं तो चलो यहाँ से। काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। Sir, I'm getting uncomfortable. Put this down, please. Okay. तो अभी क्या है सर कि मेरा एक केस है, उसमें मुझे ना एक गवाह की जरूरत है। कुछ ज्यादा करना नहीं है, कोर्ट में जाना है, जज के सामने आपको सिर्फ कहना है कि हाँ हाँ मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपका दिमाग खराब है? नहीं, ये वाली लाइन नहीं कहनी है। ये कैसे किसी के बच्चे की माँ बन सकते हैं? बनना नहीं है, बोलना है सिर्फ। अरे पर जज साहब मानेंगे कैसे? आप क्यों नहीं बोल रहे थे अगर बोल रही है तो? नहीं पर मैं तो मर दूं ना। नहीं मतलब मर तो आप भी हैं सर, लेकिन क्या है, आप एक एक्टर हैं, आप कन्विंसिंगली ऐसी बात कहेंगे लोग मानेंगे। पर चलो ठीक है, अगर आपको नहीं बोलना आप मत बोलिए, बोल मैं दूंगा, आप केस लड़ लो। ये क्यों केस लड़ेंगे? अरे बहुत इजी है, केस में कुछ नहीं होता, एंड में हारना ही होता है। नहीं लड़ेंगे ये केस, केस भी नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। तो आपकी तरफ से मैं ना समझूं? हाँ। अरे कंफ्यूज मत करो, हाँ समझूं कि ना समझूं? मैं वकील साहब, मैंने पुलिस बुला ली, मैंने ये अच्छा है पुलिस को बुला लो, पुलिस बोलेगी कि हाँ हाँ मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पुलिस क्यों बोलेगी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? तो अगर माँ बोलेगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की पुलिस बनने वाली हूँ तो गलत हो जाएगा यार, मजा नहीं आएगा।
मैं वकील साहब पुलिस बुला के आपको अंदर करा रहा था मैंने। नहीं, अंदर मत कराओ यार, अंदर मत कराओ। मुझे माफ कीजिए, अगर ये केस नहीं वर्कआउट हो रहा है कोई बात नहीं, वी मीट सम अदर डे। करेक्ट। मैं अभी चलता हूँ, आपकी फिल्म के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं फिल्म देखूंगा जरूर और मैं आपको फोन करूंगा। बिल्कुल। अच्छा। मेरा फोन जरूर उठाइएगा। पक्का। नहीं तो कई बार यहाँ पे हो जाएगा, आधे सेलिब्रिटी मैं कहता हूँ कि यार बाहर मिलेंगे, वो बोलते हैं हाँ जरूर मिलेंगे, फिर मैं जब मिलता हूँ कहता हूँ कौन है तू मोटे। शुजी सर, जैसे हमारे सब सेलेब सोशल मीडिया पर रहते हैं तो अपनी पिक्चर्स डालते रहते हैं, फैंस के साथ कनेक्ट करते रहते हैं, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं होता कमेंट्स पढ़े। तो हमारी इंडियन जो जनता है ये बड़ी क्रिएटिव है और बड़ी फनी भी हो गई है, तो क्रिएटिविटी मैं आपको जनता की दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। क्या बात है। ये विक्की ने कहीं फोटो डाली है, गॉट ए लिटिल टू इंस्पायर्ड बाय मजनू भाईज पेंटिंग दिस मॉर्निंग। ओके, तो आगे कमेंट्स देखते हैं क्या क्या आते हैं। कमेंट आया, मजनू भाई की पेंटिंग में तो घोड़े के ऊपर गधा था। पॉइंट तो है सर। नीचे लिखा, आप तो खड़े होके अपनी वाली को देख रहे हो, अगर घोड़ा अपनी वाली के पीछे भाग गया तो क्या होगा। नीचे रिप्लाई भी किया किसी ने, तुझे कैसे पता ये घोड़ा है। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लौटन कबूतर रे, गुटर गुटर गुटर, ये क्या। और आगे आगे दिखाइए। और किसी ने लिखा, आप घोड़ी चढ़ ही गए हो तो आ जाओ, आई एम वेटिंग, माय जोश इज हाई सर। किसी लिखा, योर जोश इज हाई बट हिज स्टैंडर्ड्स आर हायर। इन्होंने लड़की ढूंढ रखी है, तुम नौकरी ढूंढो। शुजित सर ने डाली है पीकू मोमेंट। ओके, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर फ्रॉम लेफ्ट साइड। शुजित बी लाइक, दीदी यहाँ ऊपर का फैन ठीक से साफ करना, जाले निकालने हैं और वहां बालकनी भी धोनी है। दीपिका भी लाइक, मैं बालकनी का नहीं करेगी, उसका अलग से 100 रुपए। ऐसी बाई हो तो कोई काम पे ना जाए, सब वर्क फ्रॉम होम ही करें। बदतमीज कौन है ये। शुजीत जी, झाड़ू में डंडा लगाने की क्या जरूरत थी, ये तो वैसे ही इतनी लंबी है, हाथ में झाड़ू लेके भी जाले उतार सकती हैं। ओके, हैप्पी एंड काम आफ्टर ए गुड डे ऑफ काम, घोड़े बेच के सो जाओ, ये वही घोड़ा तो नहीं बेच दिया जिसपे खड़े थे। लेकर प्रभु का नाम। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए जरा। अरे बाप रे। सपने में बंदा मुस्कुरा रहा है, जरूर गर्लफ्रेंड पास आ रही होगी। रिप्लाई, सपना नहीं देख रहा, दूसरे हाथ से खुद ही खींच रहा है। आप खुद ही खींच रहे थे। ट्रूथ ऑफ इंस्टाग्राम। आगे दिखाइए। और सेल्फी स्टिक जितने तो हाथ है मेरे। अपनी प्रेमिका को मुट्ठी में करने के लिए वशीकरण प्रेम विवाह ऊपरी हवा के लिए संपर्क करें, डीएम करें। देखो कई लोग अपना काम प्रमोट कर रहे हैं, इतनी कामयाबी के बाद भी अकेले सो रहे हैं। रिप्लाई, नहीं भाई, साथ में है जो फोटो खींच रही है। ओके, शुजीत सर की फोटो, माय ओल्ड बाबर शॉप, हेयर कट, बियर्ड ट्रिम, हेड मसाज 30 मिनट्स एंड शोल्डर मसाज 180 रुपए। वाह। इज इन कोलकाता? यस। बंदा कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो जाए लेकिन एक धंधा साइड में जरूर रखना चाहिए। किसी ने रिप्लाई किया, अबे ये उनकी दुकान नहीं है। आगे किसी ने लिखा, फिर तो महंगा करा लिए, पेड़ के नीचे 100 में हो जाता। आगे, की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं हुंदा। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। नहीं खत्म हुंदा ते साढ़े स्कूटर विच पा दो, सानू बड़ा महंगा पैंदा है। ऐसी फोटो लोग होटल में खिंचवाते हैं, घर के बेड कोई नहीं तोड़ता। पर कैसे खींची पाजी ये फोटो यार, ऐसे उछल के और फटाफट जंप मार लिया था। एक्चुअली ये मैं एक इवेंट के लिए रेडी हो रहा था, मैं इवेंट होस्ट कर रहा था। अच्छा।
और वो एक बार रेडी हो जाओ ना, फिर क्या होता है मैं बड़ा उतावला हो जाता हूँ कि या तो स्टेज पे चढ़ा लो या मतलब कुछ करा लो मुझसे कि अभी हाँ। तो बीच में जब टाइम मिल जाता है कि आधा घंटा है पौना घंटा है, फिर मुझे ये होता है कि अगर मैं बैठ गया तो फिर एनर्जी भी डाउन हो जाएगी, तो ये पंगे लेते रहता हूँ मैं। हाँ जी, लिखा भी अवार्ड मिलने के बाद उड़ता कौशल, उड़ता कौशल, जब लड़की कही दे हाँ तब ललनवा उड़ी है हवा माँ। ये कोई बेचारा होगा कोई बलता ही शायर, उड़कर मच्छर पकड़ता आदमी। आगे श्रीजी सर, आफ्टर लॉट ऑफ फाइटिंग विद द बॉडी फाइनली कॉन्कर्ड कॉन्कर्ड दिस पोज। हाँ जी, तो आइए कमेंट्स। वाह, लगता है स्कूल में काफी मुर्गा बने हो। तब भी तो फिल्मों में आ गए, वरना डॉक्टर नहीं होते। सर आप कितनी भी मेहनत कर लो, लोग तो शिल्पा शेट्टी का योगा ही देखेंगे। लॉकडाउन में लोगों के ऊपर नजर रखता सीसीटीवी का भाई विकी टीवी। ऐसा क्या देख लिया मियां जो मुंह खुला रह गया। बड़े कमाल कमेंट्स होते हैं। अरे क्या हुआ, आपको तो पता ही है पिछले दिनों पाजी ये ट्रेंड कर रही थी। अच्छा, ट्विटर पे सिद्धू जी ने वहां से रिजाइन कर दिया, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कांग्रेस इतनी परेशान नहीं जितनी अर्चना जी परेशान है, कहीं सिद्धू जी इधर ना आ जाए। तो ये मैं दिखाता हूँ अर्चना जी क्या क्या आपके बारे में ट्रेंड हो रहा था, दिखाई जरा। अर्चना पूरन सिंह ऑन द सेट्स ऑफ द कपिल शर्मा शो। देखो कितने सारे ताले लगाए हुए हैं। आगे अर्चना पूरन सिंह भी लाइक सुनाई नहीं दे रहा। और न्यूज नवजोत सिंह सिद्धू रिजाइन एज पंजाब कांग्रेस चीफ, अर्चना पूरन सिंह आए। ये जनरली मीम्स बन रहे थे। हाँ हाँ बहुत। अरे ट्रेंड करनी थी नंबर 3 पे पूरे इंडिया पे। क्या नंबर 1 पे? क्या बात, इट वाज सो अमेजिंग। आगे दिखाइए फिर। अर्चना पूरन सिंह इज वेरी सैड टू हियर नवजोत सिंह सिद्धू रेजिग्नेशन बिकॉज ऑफ देयर जॉब इन कपिल शर्मा शो, वेरी सैड फॉर, अब मेरा धंधा बंद करवाएगा। ये सारे मैंने पोस्ट पर, ये तो 3-4 ही दिखाए इन्होंने, पचास हजारों हैं, हजारों। एक दिन मैम कपिल शर्मा जी का भी होना चाहिए ये, है ना? मैं पंगे लेता नहीं ज्यादा ट्विटर ट्विटर पे ज्यादा, पहले मैं बहुत जाता था। वो तो पता है। हाँ, 1-2 केस हुए अपन शांत। अच्छा शुजिता, आपने तो इस फिल्म के लिए काफी रिसर्च की है उधम सिंह जी के ऊपर, और हमने कहीं सुना है, आप पता नहीं आप बेहतर बता सकते हैं, मैंने सुना कहीं कि सरदार उधम सिंह जी ने जो गदर पार्टी जो थी मतलब भारत को आज़ाद कराने के लिए जो, तो उन्होंने उनको फंडिंग करने के लिए या हेल्प करने के लिए उन्होंने हॉलीवुड की 2 फिल्मों में काम किया है, ये बात सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है। वो एक्चुअली लंदन में फिल्मों में एक्स्ट्रास का काम करते थे। ओ माय। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया लंदन में। क्या बात, सर्वाइव करने के लिए। Wow. तो एक फिल्म था जिसका नाम है द एलिफेंट मैन, आई थिंक। अच्छा, और एक फिल्म है जिन्होंने एक्स्ट्रा का काम किया। क्या बात है। और जब वो फ्री होते थे कभी, तो फ्री नहीं वैसे भी, और जाके वहाँ एक गुरुद्वारा था शेपर्ड बुश गुरुद्वारा, वहाँ जाके लंगर में काम करते थे, लंगर में रोटी बेलना और ये सब करते थे वो। विक्की भाई, आप दोनों भाइयों के नाम, जैसे आपका विक्की है उसका सन्नी है, तो ये तो निकनेम होते हैं, आपके मेन नाम क्या है वैसे? सीरियसली, मेन विक्की कौशल है पाजी? एक्चुअली इस पे किस्सा एक। अच्छा, नाम कैसे पड़ा था? मैं 1988 में पैदा हुआ था। अच्छा, पापा तब स्टंटमैन थे। अच्छा, वो ऊटी में शूटिंग कर रहे थे। मम्मी यहाँ थी मेरी नानी माँ के साथ, एंड मेरी डिलीवरी ड्यू थी, तो 16 मई को मैं पैदा हुआ, और तब तक पापा शूटिंग कर रहे थे ना, उनको पता भी नहीं चला कि मैं पैदा हुआ हूँ, तो वो 19 को वापस आए। अच्छा, तो उन्होंने देखा, अरे उनको सरप्राइज मिल गया कि अरे वाह। तो फिर मेरे पापा का नाम है श्याम, मेरी मम्मी का नाम है वीना। अच्छा, तो पापा मम्मी को नाम रखना था, तो पापा ने कहा यार मैं था भी नहीं, तूने अकेले ही सारा यू नो सारा पेन ये सब किया, तो वी से नाम रखेंगे हम। तो पापा का भी 2 अक्षर का है श्याम, और मम्मी का भी 2 अक्षर का है वीना, तो पापा मम्मी ने डिसाइड किया 2 अक्षर का नाम रखना है। ओह, विक्की, चल जी साइड। फिर जब सनी पैदा हुआ, अच्छा, तो तब पापा ने कहा फिर से नहीं नहीं वी से ही रखेंगे, नहीं फिर अभी मम्मी ने कहा नहीं नहीं अब एस से रखेंगे, फिर से वही था 2 अक्षर से एस से नाम रखना है सनी। अच्छा। वो मेरे मम्मी पापा ये कुंडली वगैरह ये सब उसमें बिलीव नहीं करते।
जब विकी का विक्रम हो सकता है मौसम। मेरी पूरी लाइफ इसी में निकल गई है कि व्हाट इज योर स्कूल नेम का जवाब देता रहूंगा। क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर लोग पूछते हैं ना आपके नाम का मतलब क्या है, तो आप मेरे साथ ये हो चुका है। क्या? मैं एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जब मैंने एडमिशन लिया था तो एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा पहले तो वो हिंदी उच्चारण पे लेक्चर था हमारा कि हिंदी अच्छी बोलनी आनी चाहिए, तो उन्होंने कहा आज का पहला क्लास होगा अपने नाम का मतलब जानिए। अच्छा। तो हम 25-30 स्टूडेंट थे, मैंने कहा ये आने वाला है मेरे पे। यहाँ से पुरुषोत्तम, अभिनव, अनिरुद्ध, पुष्पांजलि, ये वो नाम आ रहे हैं, तो बड़े बड़े सेशन हो रहे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इन भगवान के नाम थे, उनका फलाना नाम था। फिर मेरा नाम आया, मैंने कहा विक्की। उन्होंने चर्चा ही नहीं की, उन्होंने कहा नेक्स्ट। पर ये तो पंजाबी हम फेमस भी होते हैं ना, हमारे गांव में तो नाम भी पड़े होते हैं, कोई रीजन के वजह से किसी बच्चे का नाम रख दिया होगा लड्डू, गाजर, मूली। वो बेचारा जब तक 80 साल का भी हो जाए ना तब तक वो लड्डू ही होता है, वो गाजर ही होता है। आपको तो पता ही होगा, जुरियों वाला लड्डू। हाँ, वो वही नाम पड़ जाता है। शुजिता, हमने सुना कि आपको कोई ब्रो बुलाता है आजकल, बड़ा कूल कल्चर जो आजकल नया चला है ब्रो, तो आपको अच्छा नहीं लगता है? ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे भी लड़कियां बुलाती फिर नहीं अच्छा लगता, अदरवाइज मुझे बुरा लगता। पर उसके पीछे क्या रीजन है शुजिता? कोई भी कहीं से भी आता है ब्रो बोल देता है। अच्छा। ब्रो सुनते ही मुझे थोड़ा सा लगता है ये उसको कुछ चाहिए। नहीं मिलेगी पिक्चर। शुजिता, आपके बारे में इतनी हमने चीज सुनी कि आपको अच्छा लगता है फुटबॉल, एक फुटबॉल मगर मंगाऊं? कम ऑन सर, हम चेक करना चाहते हैं हमने ठीक ही सुना है कि नहीं। प्लीज फुटबॉल मंगाइए जरा। ओ वाओ, फेंको वॉलीबॉल के। शुजिता, ओ वाह, देखिए फुटबॉल देखते ही मैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। अच्छा। ओह ओह वाव, नाइस जी, वाह। बस इतना ही हो सकता है मेरे से। पाजी आप, सर जस्ट ट्राई किकिंग अ गोल। पाजी आप ऐसे खड़े हो जाओ, दैट इज द गोल, ही हैज टू किक। पाजी आ जाओ ना, एक मिनट, नहीं पहले मेरी बात सुन, थोड़ा सा आ जाओ ना, बस आपको ये रहना है। फुटबॉल कहीं ऊपर नीचे हो गया नहीं तो आप गोलकीपर भी बन जाओ। ले पाजी करते हैं, मुझे इतना विश्वास नहीं शुजिता पे, बहुत अच्छे प्लेयर है पाजी। चलो शुजिता, अब आप पे आप पैर गोल कितना बड़ा करते हो अपना। अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना विक्की के बारे में कि सब यही बोलते हैं कि विक्की स्वीट बॉय है, गुड बॉय है, मैरिज मटेरियल है, तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में मैरिज मटेरियल क्या होता है। आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैडम, माइक दे दीजिए। हाय कपिल सर। हेलो। हाय विक्की। हाय। हाय सर। हेलो, माय नेम इज अंजलि। हाय अंजलि। हे अंजलि, कुछ कुछ होता है। मैं बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बाहर चले जाएं सारे लोग। हाँ, बात कर रहे जी। तो सर ने बोला कि मैरिज मटेरियल विक्की है, बिल्कुल शादी करने के लायक है। अच्छा। एक रियल इंसिडेंट है जो अभी मैं कुछ दिन पहले घर पे थी और मैं ना आपकी फोटोज देख रही थी फोन में, तो मेरी मम्मी पीछे से आई और वो फोटोज देखने लगी और उन्होंने सारे फोटोज देख लिए और फिर ऐसे अचानक से बोल दिया कौन है ये लड़का। मैंने बोला कैसा है लड़का, बोल दिया हाँ लड़का तो सही है लेकिन मम्मियों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्या करता है घर में, कौन कौन है, मम्मी पापा क्या करते हैं। अच्छा। फिर मैंने बताया कि लड़का बीटेक किया हुआ है, अब एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, मम्मी को लगा होगा कोई पर्सनल आपका कोई, क्योंकि मम्मी को पता नहीं है विक्की कौशल के बारे में अभी, क्योंकि मम्मी जो है वो अमिताभ बच्चन जी के और धर्मेंद्र जी के इनकी फैन रह चुके हैं ना वो। अच्छा, तो अभी विक्की के बारे में नहीं पता, उनको लगा कि सच में कोई लड़का है। तो सच में ही है, सच में ही हूँ। मतलब मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा अच्छा। मम्मी को अभी भी लग रहा है कि हाँ मैं आपसे बातें करती हूँ। रियली? हाँ, क्योंकि मैंने अपने घर में मना किया हुआ है कि मेरी शादी को लेके कुछ मत सोचना आप लोग। अच्छा। तो उनको लग रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई तो है और वो उन्होंने आपकी फोटो देखी है। Oh my God, Vicky, सच में ऐसा ही है।
कल को अंजलि आपकी शादी कहीं और हो जाएगी, आपकी मम्मी सोचती रहेगी मैंने धोखा दे दिया। धोखा दे दिया विकी ने। सर कपिल सर मैं क्या मम्मी के दामाद के लिए? मैं कपिल सर मैं प्रोफेसर हूँ कोई? मम्मी को विकी बुला रहे, मेरे को भी कपिल बुला लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या वहाँ आके एक गाना गा सकती हूँ आपके लिए? गाना? Of course, of course. आइए, कम अंजलि। Thank you. अरे? फिर से हाथ पकड़। फिर से हाथ पकड़। एक तो भरोसा नहीं हो रहा है ना। अच्छा। सामने। पिंचर हार्ड, विकी जस्ट पिंचर, अब भरोसा हो जाएगा। वाह, क्या बात। अच्छा गाया आपने, ये आपको हमारी तरफ से चीकू मीठा फल है, खाइए, बड़ा प्यारा भी बोलती हैं आप। नहीं मेरा नहीं, आप ही लाई थी। थैंक यू अंजलि, थैंक यू, शुक्रिया अंजलि। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो सर, मेरा नाम प्रियांशु है। सर आप मैरिज मटेरियल पे बात चल रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले ना पार्टनर में केवल एक ही चीज चाहिए, क्या? कि वो आपकी बात समझे, आपकी फीलिंग समझे। किसी से मतलब अगर आप चाहते हो कि आपने बोला कि आप इससे बात ना कीजिए तो वो आपकी भले के लिए कुछ कह रहा होगा। ये आप हमसे डिस्कस कर रहे हो कि किसी को सुना रहे हो? पता है कि मैंने अगर किसी को रोका है आपकी नहीं सुन रही वो। ऐसा ही है। तो फिर आपको कैसे पता पार्टनर नहीं सुनते? हाँ। क्या पता सुनती हूँ? हाँ। ऐसे मेरे बहुत फ्रेंड हैं और फ्रेंड्स भी हैं तो जब उनकी जब रिलेशनशिप चलता है तो मैक्सिमम रिलेशनशिप इसी कारण टूटती है। अच्छा। तो वो आगे जाके नहीं चल पाता। तो डॉक्टर साहब और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रियांशु क्या करते हैं आप? सर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ इसी सब्जेक्ट के ऊपर। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? सर 11th क्लास कर लीजिए। हाउ ओल्ड यू आर? 22 में। 22 में 11th में पढ़ रहे हैं आप? पढ़ाई एक्चुअली ड्रॉप कर दी थी। क्यों? सर कह रहे हैं जो चीज में अगर आपका करने का मन नहीं है तो उस चीज को मत कीजिए। तो आपका मन नहीं था पढ़ाई का? नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो फिर वापस क्यों ज्वाइन किया? सर की घर वालों ने बोला कि ऐसा ग्रेजुएशन तो कर ले कम से कम आगे चलने के लिए। क्या करेंगे आगे चल के, क्या बनना? सीए बनना? नहीं सीए भी कुछ नहीं करना। पर प्रियांशु आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, जो शर्मा रहे हो ना। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बनना है आपको? सर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं लाइफ में सबसे बेस्ट ऑप्शन। नहीं मैं नहीं, आप अपना बताइए। मैं अपना बता रहा हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ। बिजनेस इज परफेक्ट, किसी की सुनना नहीं है, किसी का कुछ नहीं करना, किसको सुनना नहीं है लाइफ में। अच्छा ये बढ़ती पॉपुलेशन के ऊपर आपके क्या विचार है? अपन ही तो बढ़ा रहे, अपन लोग ही है। हाँ। अपन लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना पॉपुलेशन का। प्रियांशु बड़ी प्यारी बातें करते हैं आप, धन्यवाद प्रियांशु। थैंक यू सर, थैंक यू। तसल्ली हो गई बच्चन साहब को नचाकर। खैर ये बचपन साहब है, ओरिजिनल नहीं है, नकली है? नहीं नहीं ओरिजिनल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप एंजॉय कर सकते हैं सर ऐसे। सर आप तो जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जी। ये देखिए, ये प्रैक्टिकली नो, क्या बात है? अरे बहुत बढ़िया। ये क्या है?
ये क्या है? यहाँ पर पिंक के प्रोड्यूसर बैठे हैं और पिंक का एक्टर बैठा है, तो कुछ ना कुछ पिंक तो होना ही चाहिए। प्रोड्यूसर बैठे हैं, आपने खाने पीने को अभी तक कुछ पूछा नहीं, कमाल करते हैं आप। ये लीजिए। ये क्यों दे रहे हैं आप? चीकू क्यों दे रहे हैं? इन्होंने हमें पीकू दी थी, हम इनको चीकू दे रहे हैं। थैंक यू। आप यहां आए मुझे बहुत खुशी हुई। यहां से ही इनके करियर की शुरुआत हुई थी। क्या बात कर रहे हैं, यहां से कहां? यहां इनकी पहली फिल्म थी। यहां मेरा एक सवाल था आपसे सर जी, जब यहां आई थी तब आप यहां नहीं आए थे, तो जब यहां आई और आप प्रमोशन के लिए यहां नहीं आए तो आप यहां के लिए कहां गए थे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बच्चों जैसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। एक बच्चा होता है। एक मिनट, कहां गया? एक और बच्चा निकालेंगे सर, आप निकालेंगे? ओह माय गॉड यार, ये मेरे को दे देना, मेरे को ना। आई नो, आई होप तीसरा बच्चा ना निकलेगा। सुजीता मेरे को दे दो यार, मैं अपने बच्चे के लिए लेके जाऊंगा, बड़ा क्यूट है ये। व्हाट अ वंडरफुल डायरेक्टर सर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत ही संघर्ष के बाद, तपने के बाद जो है इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है। व्हाट अ वंडरफुल जर्नी यू हैव। सुजीता की मैं जर्नी दिखाना चाहूंगा। दिखाइए। स्मॉल सरप्राइज फॉर यू सर, देखिए। What a wonderful journey! एक मिनट, इसमें सुजीता कहाँ है? S3 अपर बर्थ में यही बैठे थे उसमें। Wow! खैर, हमारे बीच में विकी कौशल, one of the best actors. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये क्या है? खास अपने हाथों से आपके लिए बिरयानी बनाकर लाया हूं, खाकर जरूर बताइएगा कि हाउ इज द गोश। खैर बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत थैंक यू सर। डैड कैसे हैं आपके, हमारे बड़े अच्छे दोस्त? इज गुड सर, गुड। श्याम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। व्हाट अ फैंटास्टिक एक्शन डायरेक्टर। और शत्रुघ्न सिन्हा जी आपके यहाँ आते जाते रहते हैं कि नहीं? वो क्यों आएंगे? वो पहले इनके घर आया करते थे। कैसे? और हमेशा कहते थे कि शाम आएगा तो कह देना कि छेनू आया। सुजीता, अगर आप बुरा ना माने तो एक मिनट, में आपकी इजाजत हो तो। ये आप क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि सरकार को चलाना मजाक का काम नहीं है, हमने सरकार को चला दिया। एक मिनट, आप गिरिएगा मत, नहीं तो लोग कहेंगे कि सरकार गिर गई है। वैसे अर्चना जी, जी केबीसी में आइए एक्सपर्ट बन के कभी। ये किस चीज की एक्सपर्ट है? जब आपको पता है ये किसी चीज की एक्सपर्ट नहीं है, क्यों बिठा के रखा है? खैर एनीवे, आई हैव अ वंडरफुल डील फॉर यू सर, केबीसी में आप आइए, मैं सारे सवालों के जो जवाब हैं आपको पहले बता दूंगा। गुड गॉड। 5 करोड़ रुपए आप जीतेंगे, 2.5 आपका, 2.5 मेरा। और विकी का? तो ठीक है, मेरे 2.5 में से 1 आप ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। और मेरा? तो 1.5 में से 50 आप ले लीजिएगा। अर्चना जी का? मैं नहीं खेलता, जाओ। क्या बात हुई? क्या बात हुई? हेलो ड्राइवर, गाड़ी निकालो। हेलो सेट मैक्स, सूर्यवंशम निकालो, हम अभी पहुंच रहे हैं। सर मैं मिलता हूं, बाय। सुजीता, हमारे गांव में एक करेक्टर है छेड़ूलाल जी, उनको बड़ा मजा आता है सेलिब्रिटीज से सवाल पूछने का, तो आते नहीं है सामने।
तो वो हमेशा ऑनलाइन आते हैं, वो आपसे विक्की से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी छेड़ूलाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? सुजीत साहब, विक्की साहब नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ये जो कपूर शर्मा आपके पास बैठ रहा है, ये बड़ा कमाल का एक्टर है। अच्छा, इसे आप फिल्म में क्यों नहीं ले लेते? ये बात इसने मुझे कही थी आपसे पूछने की, कहता मैं पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लायक अगर आपके पास कोई फिल्म हो तो लेना मत, ये शो छोड़ देगा। ये बात मुझे अर्चना ने कही थी, कहती अगर इसको फिल्म मिल गई तो मेरा क्या होगा, मैंने तो अपना पार्लर भी बंद कर दिया। अच्छा विक्की साहब, मैंने विक्की डोनर देखी, उसमें आप थे ही नहीं, उसमें आयुष्मान खुराना था। नहीं वैसे आपको होना चाहिए था, तो आप किसी और काम में बिजी थे या आप दान पुण्य में यकीन नहीं करते? सुजीत साहब, हमने सुना है कि आपकी धर्मपत्नी जी का नाम जुम्मा है। नहीं मतलब कभी कभी वाइफ नाराज हो जाती है, तो आप फिर उनको गाना गा के मनाते हो कि जुम्मा जुम्मा दे रहे? अच्छा विक्की साहब, आपने पहली बार दारू पी मसान के सेट पे और सिगरेट पी रमन राघव के सेट पे, तो आपके पिताजी कहते नहीं कि ये अनुराग कश्यप तुम्हारा करियर बना रहा है कि तुम्हारी आदतें बिगाड़ रहा है? ये तो सच में कहते हैं। अच्छा सुजीत साहब, गुलाबो सिताबो में बच्चन साहब अपना घर खाली करवा रहे हैं और पीकू में अपना पेट खाली करवा रहे थे, तो बच्चन साहब ने आपसे कहा नहीं भी जो भी खाली कराना है एक ही बार में करा लो? आपका जो प्री में डायलॉग था ना कि हाउ इज द जोश हाई सर, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तो मेरे को ये पूछना था कि जब आप कभी अपनी मेड को आवाज देते हो तो वो क्या बोलती है, आई सर के हाई सर? अरे सरदार उर्दम की टीम आई हुई है, जोरदार तालियां विक्की कौशल जी के लिए और सुजीत सरकार जी के लिए। सुजीत सर वैसे इनके दोस्ती के लिए ताली दे देते हैं, इन दोनों के दोस्ती के लिए। नहीं नहीं, ताली बजाने वाली सुजीत सर कोई बात नहीं है, बचपन की दोस्ती, बचपन में थोड़ी ना पता होता है। हाँ जी। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपकी सारी फिल्में देखी है, विक्की पाजी मैंने आपकी भी सारी फिल्में देखी है और उन फिल्मों को मैंने डायग्नोज भी किया अच्छे से। क्या किया? यार एक तो तुम बीच में बड़ा डिस्टर्ब करते हो। तेरे को बड़े बड़े शब्द बता कौन रहा है? डायग्नोज किया है मैंने, नोट किया है उसने। हाँ जी। अब ठीक है? हाँ। तो मैंने आपकी सर फिल्म देखी संजू। हाँ जी। तो मतलब कमाल की सर आपने एक्टिंग की, कमाल की, मतलब फिल्म में हीरो आप ही लग रहे थे, मैं सच बताऊं प्रॉपर, क्योंकि रणबीर कपूर साहब तो संजय दत्त की एक्टिंग कर रहे थे, तो वो बायोपिक संजय दत्त की थी। क्या हुआ बायोपिक जिसकी मर्जी हो, एक्टिंग तो अपने करो। नहीं और मेरी बात सुनो यार, तुम भी विक्की सर से कुछ सीखो। क्या देखो अपने दोस्त को कितना सपोर्ट किया फिल्म में उन्होंने, तुमने मुझे कभी सपोर्ट किया? तो कितना सपोर्ट तो किया तुझे। क्या सपोर्ट कर दे, आप मुझे स्कूल छोड़ कर आते रहे हो, यूपीएससी क्लियर किया आपने मेरा। मैंने बोला था ना ये दो लाइनें नहीं बोलनी। अगली दो बोलूंगे रहने दूं। जब रिहर्सल में तूने अच्छी बोलनी, तुझे कैसे लगा तू यहां पे ठीक हो जाएंगी? तू करने क्या आया इधर? एक काम करो यार, ये लो ये स्क्रिप्ट है, इसमें सारा लिखा है मैं क्या करने आया हूँ, क्या करके जाऊंगा, पूरा मेरा शेड्यूल लिखा है, पढ़ दो। शेड्यूल के स्पेलिंग हो जाए। मेरे शेड्यूल में ये भी लिखा है कि तुमने किसी को स्पेलिंग नहीं सुनाने। खैर सुजीत सर, वो सामने मेरा 10-star जनरल स्टोर है, उसका मैं 1 and only डायरेक्टर हूँ सर। ओके। डायरेक्टर तुझे पता है वैसे क्या होता है? डायरेक्टर का काम होता है खूबसूरत हीरोइन ढूंढनी, फिर उसको हीरो के हवाले कर देना और दूर बैठ कर देखना ये दोनों करते क्या है। अच्छा लेकिन सर आपने उरी मूवी की, उनके डायरेक्टर बड़े स्मार्ट थे। कैसे? उन्होंने ब्यूटीफुल हीरोइन ढूंढी, फिर बाद में उसके साथ शादी कर ली और इनको हाउस द जोश पे लगा दिया। वाह यार, गेट आउट। हो गया तेरा, चलो निकलो अभी। ऐसे कैसे यार, मैं एक्चुअली इनको सॉरी बोलने के लिए आया था। किस बात का? सर सुशील सर, आई एम वेरी सॉरी बिकॉज ऑफ माई टाइट शेड्यूल, मैं आपके प्रीमियम पे आ नहीं सका। चलो भाई प्रीमियम।
आपके प्रीमियर पे मैं आ नहीं पाऊंगा सर, थोड़ा उसकी प्रॉब्लम भी बताना कि बुलाया नहीं था इन्होंने ये आदमी की। आपको पता शादी क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि लड़की वालों को लगता है कि इसको भी बुलाना पड़ेगा। सर ऐसा कहीं होता है? मैं आपको बता नहीं सकता सर, इसकी हरकतें विक्की भाजी। ये उस दिन सिनेमा हॉल में चला गया फिल्म देखने, उन्हें रोक लिया, कहता रोक ही रहे, मेरी दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। कहते दो वैक्सीनेशन चाहे 10 लो लेकिन एक टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेना पड़ेगा। यार मेरी बात सुनो, वो तो फिर उनकी प्रॉब्लम हुई ना, उनको जाके बताओ वैक्सीनेशन वालों को, साथ में टिकट भी फ्री रखो, वो देंगे तो मैं ले लूंगा। सर वैसे मैं इसलिए गया था ताकि बढ़ावा मिले फिल्मों को, मैं जाऊंगा मेरे फैंस भी जाएंगे, मेरे को तो ट्विटर सरकार ने ब्लूटूथ के साथ सम्मानित भी किया है। तेरे फैंस मतलब? मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं। तेरा तो मैंने कभी कोई ट्रोलर नहीं देखा। आप सुनिए, ट्विटर पे चिड़िया बनी होती ना नॉर्मल लोगों की, इसके ट्विटर हैंडल पे जाओ आप, उधर सुअर बैठा हुआ है, वो भी ईंट लेके, कहता अगर तूने साइन इन किया मैंने तेरा सर फोड़ दिया। तो सर ट्विटर पे जब इंसान एक दूसरे पे पत्थर फेंक सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं फेंक सकते? क्या बात है। और मेरी बात सुनो, तुम तो ट्विटर की बात ना करो। हाँ, ना ही करो। 900 चूहे खा के बिल्ला चला हज को। खैर कि सर एक काम कीजिए, आप ना मेरे को मैनेजर रख लीजिए, मैं बहुत अच्छा मैनेज करूंगा सर। मैंने मैनेज किया पहले कभी कुछ? मिडिल क्लास आदमी जो होता है सिवाय मैनेज के और करता क्या है? मतलब सुजीत सर, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना वो मैनेज बहुत अच्छा करते हैं सर, हर चीज को मैनेज कर लेते हैं। जैसे हम जो रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी का, उसके सेल डाउन हो जाए उसको कैसे मैनेज करते हैं हम? कैसे? बेड से शुरू होते हैं। सही बात है। धीरे धीरे टीवी के पास चले जाते हैं। ये टीवी आ गया टीवी के पास। फिर हम रिमोट नीचे रख के हाथ के साथ चेंज करते हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। ये तो कुछ भी नहीं सर, जब पतंगबाजी का सीजन आता है वहां बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। कैसे? आप लोग जब पतंग उड़ाते हैं, जो यार अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनके पास डोर बहुत ज्यादा होती है, वो पतंगबाजी को एंजॉय करते हैं सर। आप जैसे लोग कैसे पतंग उड़ा रहे हैं, साथ साथ में स्नैक्स खा रहे हैं, साथ में डीजे भी सुन रहे हैं। वाह वाह, पता है पीछे डोर बहुत है। वाह हेलो, हाय कैसे तुम उड़ा रहे हो? वेरी गुड। हमारे पास डोर नहीं, मैं कैसे मैनेज कैसे करते हैं? ओए हेलो हेलो, करते करते दूसरे की छत पर चले जाते। हेलो चल 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 चल, हेलो हेलो हेलो। तो मिडिल क्लास आदमी से ज्यादा मैनेज कोई भी नहीं कर सकता। सर हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा जो है ना वो मैनेजमेंट से पल रहा होता है। कैसे? सबसे छोटा बच्चा जो है वो बड़े भाई के कपड़े मैनेज कर रहा होता है। दो भाइयों घर में, तो माँ कहती है कि वो बच्चे कहते हैं पहले माँ। सर घर में दो भाई हो ना, वो कहते हैं माँ भूख लगी है। माँ कहती है सर, सीरियस बात होती कभी कभी। आपने माँ कहती है सर, डायग्नोस नहीं किया। सर दो बच्चे होते हैं घर में। हाँ। माँ कहती, बच्चे कहते हैं बच्चा तीसरा हो जाएगा। सुजीत सर, हाँ घर में दो बच्चे होते हैं। हाँ बच्चे कहते हैं माँ भूख लगी है। हाँ माँ कहती है क्या बेटा? कहती है एक रोटी तुम खा लो, एक तुम खा लो, मैं मैनेज कर लूंगी। आय हाय, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है। तीन बार रीटेक लेके भी खराब किया। ऐसे कौन सी माँ बोलती है कि एक एक रोटी तुम खा लो मैं पिज्जा ऑर्डर करती हूँ? अर्चना माँ। चंदू मैं एक बात बताऊं? हाँ। देख जैसे हमारा शो आता है सैटरडे संडे, तो एक काम कर तू मंडे टू फ्राइडे आ जाया कर। हाँ। खाली होता है इधर। अगर चंदू मंडे टू फ्राइडे आ गया तो फिर पूरी टीवी इंडस्ट्री घर में बैठ जाएगी। कपू शर्मा क्या? टीवी वाले तो चलो ठीक है, मूवी वाले बच्चन साहब वो क्या करेंगे? एक मिनट मेरा लेसिस खोलेगा। अच्छा क्या करना है? तेरे को पीटना है। तूने अपना कंपैरिजन कैसे किया बच्चन साहब के साथ? क्यों क्या कर रही है बच्चन साहब में?
अच्छा निकाल के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। मेरी बात मैंने पूरा याद किया, मैं पूरा बोलूंगा माय गॉड। अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखाओ अपनी मर्दानगी, अपने वर्दी का रोब। इन्हीं के हाथों को लग सकती तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। बचपन साहब, आप सन्नी देओल साहब का डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ तो तुम्हारी बात सुनकर उनको भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा कि एक्टिंग अपनी करना, डायलॉग मेरा बोलना, समझे? अरे सर नमस्कार। आप दूसरे एपिसोड में फिर से आ गए। अरे वो नहीं फिर से आए, आप फिर से आए। मैं आया हूँ। हाँ। निकाल के फेंक दो ये वर्दी। आप दोबारा लाइन बोल रहे हैं वाली। तो वर्दी निकाल के फेंक क्यों नहीं देते तुम? बचपन साहब मेरी बात सुनो, मैं तो इधर वैसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक कर रहे थे। जी। अगर आपका मजाक बहुत अच्छा चलता ना तो एक ही एपिसोड में एक आर्टिस्ट को दूसरी बार नहीं आना पड़ता। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। माइंड योर लैंग्वेज, तुला मी सोडणार नाही। यार परे हो गए बात करो सारा। गिलांकट के मुंडाड़ी सोले ले उंगल तेरे में एलरूम सेंड ये मातिर किंगे। किस लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको? हटा रखनी पट्टे को छुम ये बचा दी। ये भाषा आती है आपको? कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपका फैन हूँ। अच्छा या? लेकिन आप तो कह रहे थे आप इनके फैन हैं। तो मैं उनका फैन हूँ। तो मुझमें क्या कमी है? मैं आपका भी फैन हूँ। तो उनमें क्या कमी तो है? मैं उनका भी फैन हूँ यार। आप सबके फैन हैं? हाँ जी। उठिए। फैन हूँ मैं। हाँ फैन हूँ ना। हाँ जी। चल के दिखाइए, फैन चल के दिखा। खुश है? चार पे, चार पे, चार पे चलो। कपू जी ये क्या लगा के रखा हुआ आपने? जी एक कभी आके कुछ कहता है, कभी वो मोटा वहां से आ जाता। मुझे कुछ कुछ आवाजें आ रही थी अंदर। बचपन साहब कुछ कहा आपने? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक अगर आपसे हो रहा होता तो एक मोटे आदमी को एक ही एपिसोड में दो बार नहीं आना। वेरी गुड, शाबाश, शुक्रिया। अरे सुजीत जी आप फिर आ गए। अरे वो फिर नहीं आए, आप दोबारा फिर आ गए हैं। तो मुझे तो इनकी वजह से आना पड़ा ना। अब देखिए नाराज मत होइए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन आप तो कह रहे थे आप उनके फैन हैं। हाँ तो मैं उनका भी फैन हूँ। एक मिनट आप फैन हैं? जी। तो चल के दिखाइए। हाँ ये देखिए। ये कैसा फैन है? ये टेबल फैन है। वेरी क्रिएटिव, ये वेरी क्रिएटिव आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? भाई साहब अगर आप इतने क्रिएटिव होते ना, हाँ जी, तो एक ही एपिसोड में दो आर्टिस्टों को दूसरी बार नहीं आया। मेरी बात सुनो, मैं एक ही बार आता हूँ लेकिन ओरिजिनल आता हूँ, कुछ बन के नहीं आता बनावटी। समझे? मैं नकली जरूर हूँ लेकिन मेरी चप्पल असली है। ओ ये आपकी चप्पल है? हाँ। मुझे लगा गोविंदा जी की चप्पल है। अरे बहुत हो गया बहुत। अच्छा हाँ यहाँ मजा आ रहा है। ये लोगों आपके बारे में क्या सोचेंगे?
वैसे भी विकी मैं आपको कुछ बोलना भूल गया क्या आई वुड लाइक टू डांस विद यू प्लीज भूल गया नहीं नहीं क्यों क्यों भाई क्यों तुम्हारे पिताजी का सुपर डांसर चल रहा है यहां पे मैंने बाप में मत जाओ बाप दे कोई बात नहीं आपकी माताजी कैसी है हम आपकी माताजी के साथ डांस करना चाहते हैं वो क्यों डांस करेंगे आपके साथ क्योंकि ये आपके साथ हरगिज डांस नहीं करेंगे लॉटरी मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा आपके साथ डांस करेंगे मेरी जूती चल जूती हमारे होते हुए आप इनसे डांस के बारे में कैसे रिक्वेस्ट करते हैं आप रिक्शा करवा लो कभी उधर पैदल कभी इधर पैदल डांस के लिए आप कैसे पूछ सकते हैं इनसे हमने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है एक मिनट हाँ मेरे होते हुए आप इनसे डांस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं मैंने क्या हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं ओ वकील साहब आपके बालों के साथ साथ दिमाग भी उड़ गया है थोड़ा लॉजिक सोचा करो ये आपको चूड़ियां नहीं आपको बेड़ियां लगेंगी चुप सब लोग बोलेंगी नहीं अभी चुप इट्स टाइम फॉर मी टू डांस विद विकी ओ विकी और सुजीत सर के लिए और हमारे सब कलाकारों के लिए क्या बात मजा आ गया विकी बाजी लव यू जब भी आप आते हो बड़ा मजा आया हमेशा की तरह सुजीत सर थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट ये फिल्म तो आपकी लोगों को पसंद आने ही वाली है आपके आने वाले तमाम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए विकी बाजी आपको भी ढेर सारी मुबारकबाद बेस्ट विशेस थैंक यू सुजीत सर आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं आगे आएंगे ना आपको हमने ज़्यादा तंग नहीं किया यस जरूर आऊंगा थैंक यू सो मच आप सब लोग बहुत अच्छे थे थैंक यू मैम एंड थैंक यू टू एवरीवन टू ऑल द क्रू बहुत बहुत अच्छे थे थैंक यू सो मच सो दोस्तों लाफ्टर का डोज लेके हम आते रहेंगे आप वैक्सीन का डोज लेके खुद को सुरक्षित रखिए आप स्वस्थ रहें खुश रहें शुभ रात्रि गुड नाइट थैंक यू लव यू ऑल फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.